झाले होते लड़की फोर झाले ये भी रहेगा ठीक है तो अब आंसर आपका कौन सा रहेगा
बेटा ये सब के कॉन्फिगरेशंस आपको पढ़ना ही है, 12वीं के सिलेबस में दिया है, इसलिए अभी टेंशन मत लेना, धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे, पता चल जाएगा। 21 था बेटा, हाँ नेक्स्ट कौन सा? 30, 30 हाँ, एंड टाइम समय 30 बने क्या बेटा? Anti semiconductor is formed when trace amount of impurities added to silicon. The number of electrons in impurity atom must be. तो देखो हमने आपको पढ़ाया है कि हम सिलिकॉन में दो प्रकार के impurities को add कर सकते हैं। कौन-कौन सी? Group number 13, group number 15. Group number 13 element में valence shell में कितने electron रहेंगे? 3. Group number 15 में कितने रहेंगे? 5. तो answer क्या रहेगा यहाँ? क्या लगेगा? One, next word है। क्या बोला कि the number of electrons in the impurity atom must be impurity है ना, मतलब कौन सा? Group number 15 वाला। Group number 15 के वाला शेल में कितने electrons रहते हैं? 5। इसे आंसर 5 लिखना। एक नहीं लिखना बेटा, एक कैसे निकला आपने? गलत हो गया बेटा, हाँ एक मत लिखो, ये पूछा गया क्वेश्चन है। पेंटर सेमीकंडक्टर इज फॉर्म व्हेन ट्रेस अमाउंट ऑफ इंप्यूरिटीज एडेड टू सिलिकॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इंप्यूरिटी एटम मस्ट बी। सिंपल है आंसर 3। Structure is
देखो ये भी कुछ मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनपुट और इन कॉम्पिटिटिव समझ रखा अच्छा मैं सब गया प्रश्न की प्रैक्टिस कराई चीज बेटा क्या पूछा है द नंबर ऑफ सॉरी द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल साइड स्क्वायर स्फीयर इन सी सी पी स्ट्रक्चर कैसे पहचानना देखो इन सी सी पी नंबर ऑफ एटम्स कितना रहता है याद करो 1 2 4 कितना रहते हैं 1 2 का फॉर्म मैंने कैसा SC BCC FCC 1 2 का 4 तो FCC मतलब ये होता है CCP याद रखना हो गया ऐसे ही याद रखो तो कितना एटम हो गया बेटा 4 इन CCP में नंबर ऑफ एटम्स कितना 4 तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉल्स कितना हमारे पास लिखा है जितने एटम्स पार्टिसिपेट करेंगे उसका डबल रहता है टेट्राहेड्रल वॉइड और सेम रहता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखो हमने एग्जांपल बताया था आपको अगर 100 एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं सॉलिड बनते समय तो टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी 200 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने रहेंगे 100 हो गया तो अब बताओ जरा नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड यहां कितने रहेंगे 8 रहेंगे ठीक है फिर वहां क्या पूछा है देखो what is asked over there number of tetrahedral sides per sphere अब ये sphere कहां है कितने sphere है यहां पे दिख रहे हैं क्या आपको spheres कितने हैं बेटा चार atoms मतलब sphere consider करना ठीक है चार spheres के लिए कितने tetrahedral voids है 8 tetrahedral void तो हमें क्या निकालना है बताओ पर स्फीयर है ना तो इसलिए फॉर वन स्फीयर कितना होगा बता टू टेट्राहेड्रल वॉइड है क्या देखो समझा क्या जैसे लिख के रखते जाना हम लोग भूल जाते लिखना मैंने कहा सर एक्सप्लेनेशन बदला क्वेश्चन नंबर टाकून लिखू फेने की प्रैक्टिस करा सर मुझे सवय लावा राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट सबक्रस लिमिट पढ़ने की सवय लावा जब तक आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका स्कोर अच्छा नहीं आएगा डेफिनेटली कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता समझे क्या ये एक्सपीरियंस से बच चुका है पहले जब तक था जब सिलेबस छोटा था अभी सिलेबस वास्ट है इसलिए और डिफिकल्टी लेवल भी हाई है मैं पीएचडी क्या मुझे जिन्होंने गाइड किया उनका लड़का नागपुर में आईआईटी फॉर्म्स में पढ़ा हुआ तो ऐसे ऐसी किताबें वो पढ़ता था वहाँ पे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करवा दी जाती है जे डबल के लिए वगैरह तो वो राइटिंग प्रैक्टिस जो है काफ़ी अच्छे से करता था राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करता था ऐसे 200 पेजेस कम मैं जब गया उनके घर में तो कम से कम 10 से 12 बुक्स ऐसे 200 पेजेस के भरे उसने मुझे दिखाया केमिस्ट्री कैसे फिजिक्स के अलग बायो के मैथ्स के अलग तो राइटिंग प्रैक्टिस इतना किया उसने कि उसका स्कोर जो है पहली अटेम्प्ट में 99.60 आ गया बोर्ड का हमारे यहाँ से बोर्ड का पढ़ाया जाता है हमारे यहाँ बोर्ड का पढ़ाते हैं जेडब्ल्यू नीट भी हम पढ़ाते हैं लेकिन बाकी बहुत सारे कोचिंग क्लासेस में बोर्ड का पढ़ाया ही नहीं जाता उसने आखिरी में एक महीने में बोर्ड की तरह पढ़ाई की अच्छे तैयारी की उसमें भी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की 95.60% लाया बोर्ड में भी कहने का मतलब क्या आप यहाँ पे भी कर सकते हो नागपुर जाने की जरूरत नहीं है लेकिन कैसा है कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट आप बोलेंगे सिर्फ मरट्टा मारूंगा पॉसिबल नहीं होगा शब्द लिखूं पहा लिखने से क्या होगा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कंफ्यूजन मिनिमाइज होगा बार बार कहते हैं तो राइटिंग प्रैक्टिस आपको आदत उसके डालनी ही है नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर है 36. The major binding force in graphite is graphite. हमने पढ़ा है. Graphite कौन से टाइप का solid है बेटा? Covalent solid. कौन सा? Covalent solid.
तो कोवेलेंट सॉलिड में कौन से बॉन्ड्स रहते बेटा कोवेलेंट बॉन्ड्स रहते इसलिए देखो वाला एक क्या कही बी कोवेलेंट बॉन्ड मेजर बाइंडिंग फोर्स इन सिलिकॉन इज बेटा सिलिकॉन भी कोवेलेंट सॉलिड है इसलिए वहां पे भी कौन सा अट्रैक्शन रहेगा कोवेलेंट बॉन्ड डायमंड में भी सेम ही रहेगा 38 का भी आंसर सेम ही है तीन तीन तरीके हो गए The ratio of close packed atoms to octahedral holes in HCP is HCP में एटम्स की संख्या भी आपको पता नहीं है आपके सिलेबस में नहीं है आप नीट मेजर डबल में पढ़ेंगे ठीक है अभी मैं डायरेक्ट बता देता हूं बेटा इन HCP लिख के रखना नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इक्वल्स 6 नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इक्वल्स 6 ठीक है अब हमें क्या पूछा है बेटा रेशियो ऑफ क्लोज पैक एटम्स टू ऑक्टेहेड्रल होल्स इसलिए हम निकालेंगे बेटा नंबर ऑफ ऑक्टेहेड्रल वॉल्स इक्वल्स कितना रहेगा बता सकते हो कोई एग्जांपल वहां बताया कितना रहेगा 6 रहेगा समझा उसके बाद बेटा रेशियो निकालना है तो रेशियो किसका रहेगा नंबर ऑफ एटम्स टू ऑक्टेहेड्रल वॉइड नंबर ऑफ एटम्स 6 है ऑक्टेहेड्रल वॉइड भी 6 है इसलिए 6 टू 6 कितना हो गया 1:1 है कहते The ratio of closed packed atoms to tetrahedral holes in cubic packing is cubic packing means कौन सा बेटा ये CCP वाला है CCP में atoms की संख्या कितनी रहती है चार बराबर तो हमें क्या पूछा है tetrahedral holes कितने रहेंगे आठ बराबर तो अब यहाँ रेशियो हम निकालेंगे बेटा किसका रेशियो निकालना है एटम्स टू देखो ना द रेशियो ऑफ क्लोज पैक एटम्स टू टेट्राहेड्रल क्वार्ड इसलिए एटम्स टू टेट्राहेड्रल क्वार्ड क्या रेशियो लिखो बेटा 4:8 मतलब 1:2 समझा क्या नेक्स्ट डायमंड इज ए अतसल डायमंड कौन सा सॉलिड है कोवेलेंट सॉलिड चेक दिस पर ग्रेफाइट इज ए कोवेलेंट क्रिस्टल मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर कौन से रहेंगे आयोनिक सॉलिड्स नहीं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर द एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आंसर ए लिखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन टाइप सेमीकंडक्टर पहचान कौन सा A, B, C, D.
बेटा एंड टाइप सेमीकंडक्टर बनाते समय हमें ग्रुप 15 एंटिटी को ऐड करना पड़ेगा अब ग्रुप 15 की एंटिटी कौन सी दिख रही है ऑप्शन चार ऑप्शन में बता पहला प्योर सिलिकॉन लिखा है बेटा वो एंड टाइप नहीं रहता दैट इज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देन सिलिकॉन दो वे आर्सेनिक आर्सेनिक बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 15 इसलिए आंसर कौन सा रहेगा बी समझ लगा का कलर अक्षत का हाफ ग्रुप 15 हाफ ग्रुप 13 दोनों एक तुमसे स्पष्ट पर लिखा है अभी उन्होंने कहा है इसलिए थोड़ा सा कठिन लगेगा एक फ्रैंकल इफेक्ट हो गया था क्या बेटा ये नहीं ओके बेटा ये फ्रैंकल इफेक्ट लिखा है कहीं देखो जरा ढूंढो आंसर फ्रैंकल डिफेक्ट कहाँ है डिफेक्ट देखना पहला क्या आंसर ओके नहीं मिला आंसर बेटा डी यस वेरी गुड डी बेटा ओवर क्रिटिकल न्यूट्रलिटी स्पेस हर्ड ये पूछा गया है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको ज्यादातर डेंसिटी से जुड़ा हुआ पूछा गया है याद रखना डेंसिटी रिमेंस अनफेक्ट लिखा होगा वहां पे 46 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट 4 spheres are involved in the formation of tetrahedral void. सही है. The center of spheres in octahedral voids are at the apices of the regular tetrahedron. But B वाला छोड़ दो फिलहाल. C वाला देखो. If the number of atoms is n, then number of octahedral voids is 2n. गलत. रॉन्ग है बराबर है इसलिए आंसर सी लिखो बेटा देखो बी हमें समझा नहीं ठीक है तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं कुछ लाना है ना आगे बढ़ना फिर हमें सी वाला स्टेटमेंट पक्का पता है कि ये गलत ही है तो ऐसे आंसर आप कभी कभी निकालना समय बचेगा क्या होता है बच्चे पहला स्टेटमेंट दे सकते हैं पहले का एक बहुत सोचते समझ लेते हैं 5 मिनट निकल जाते हैं उसमें समय पहले कम रहता समझ में आ रहा इसलिए थोड़ा लॉजिकली चलने की कोशिश करना आगे बढ़ो देखो 47 द कंपाउंड फॉर्म्स एससीपी स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ ऑक्टेटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन 0.5 मोल ऑफ सब्सटेंस इज रिस्पेक्टिवली ओके कैसे करोगे मुझे सॉल्व करके देना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है ना हाँ बात मतलब विचार करो क्या 0.5 मोल मोल का असर हमने पढ़ा है लगता है पढ़ा है तो अब यहाँ हम निकालेंगे नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टेट्रल वॉइड के पहले नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे हाँ देखो नंबर ऑफ एटम्स इन एससीपी स्ट्रक्चर इक्वल्स कितना अभी पढ़ाया था कहीं तो भी हमने लिखा था देखो आपके पास लिखा है 6 बराबर है इसलिए नंबर ऑफ एटम्स इन 0.5 मोल ऑफ एचसीपी स्ट्रक्चर इक्वल्स क्या करना पड़ेगा देखो एससीपी यूनिट से एक हमने तो 6 रहता तो 0.5 मोल अगर लिया तो 0.582 अगर तो उस नंबर याद करो कितना है 6.022 into 10 to the power 23 ये कितना मिलेगा बेटा
0.36 degree. Dasa ayan. Force kita na namin. Octet word yan. ये मिलेगा 3 × 10^23 बराबर है देखो 6 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है डोंट कंसीडर दिस क्योंकि यहां 0.5 मोल पूछा है इसलिए 0.5 मोल्स में एटम्स की संख्या निकालना पड़ेगा 1 मोल हमने पढ़ा है कि नहीं मोल में कितने एटम्स रहेंगे 6.022 × 10^23 तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एप्रोक्सीमेटली 3 पकड़ने का कोई आवश्यकता नहीं पूरा मल्टीप्लाई करने का तो बेटा नंबर ऑफ ऑक्टेटल वर्ड्स कितना रहेगा हां हमने बताया ना वो देखो ना जितने एटम्स उतने ही ऑक्टेटल वर्ड वो 100 एटम वाला याद रखना है ठीक है तो कितने ऑक्टेटल वर्ड रहेंगे 3 × 10^23 एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड कितना रहता डबल मतलब 6 × 10^23 आंसर रहेगा ए Question number 48. Beta baby has abscess structure with age length of unit cell 495 micrometer. The radius of baby atom. तो बेटा हमारे पास एक टेबल दिया है. उसमें लिखा होगा for abscess r equals 8/2√2. ऐसा लिखा है इधर. कहाँ पे लिखोगे वो टेबल? टेबल कहाँ दिया है? पेज नंबर 8 पे दिया है देखो टेबल पेज नंबर 8 पे देखा उस टेबल में देखो एफसीसी रेडियस आर ए बाय 2 फॉर्मूला लिखा हां अब ए कितना दिया है देखो बेटा ए कितना दिया है 495 और अपॉन 2 इनटू रूट 2 का वैल्यू रे 1.414 इतना ही चलेंगे गोली मारो अपॉन 2.8 कितना आएगा बेटा कर पाओगे डिवाइड करो ना मैथमेटिक्स मेरा उतना अच्छा नहीं है कितना कौन सा आएगा करो ना कैसे 4950/28 का टेबल किसी को आता बेटा 28 1 28 9 8 1 4 2 5
25, 26, 27, next year 36, 56, 57, ek month seven magare 175, okay, pura solve karne ki avashyakta nahi, 17 aa gaya matlab 175 answer tick kar denega. 1:75 PM. Gracias.
crystallizes in FCC structure. The age length of UXL is found to be 408 picometer calculate density of gold. है ना? तो बेटा सबसे पहले आप E1 लिख लेना. सिंपल एज लेंथ A 408 picometer picometer power minus density. ओके? उस पर कुछ ये बेटा मुलर E1 here. मुलर मास और कैपिटल लिखा है कि फेस से सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इसलिए हम लिखेंगे बेटा इन FCC नंबर ऑफ टर्म्स इज 4. अब वहां सेट नहीं लिखा है ना. हां सेट की जगह बेटा n करो. यस ये करेक्शन रहेगा. पुराने सिलेबस में सेट था, नए सिलेबस में n कर दिया. देखो चेंजेस ऐसे ऐसे बड़े बड़े चेंजेस है ना. पुराने सिलेबस में स्ट्रक्चर और एटम, नए सिलेबस में एटम स्ट्रक्चर ही कर दो. दादा जी जस्ट करने की क्या सकता है. तो ऐसे बड़े बड़े चेंजेस होने ये है. अब ध्यान देना एक्चुअली n ही होना चाहिए, सेट की आवश्यकता नहीं है क्योंकि n मतलब नंबर ऑफ एटम्स होता है. ठीक ध्यान दो. आगे बढ़ते हैं बेटा. हमें क्या निकालना है डेंसिटी. तो डेंसिटी का फार्मूला क्या है पहले वो सोचना. डेंसिटी इक्वल्स क्या रहेगा, m into m upon a cube into n a. ऐसा फार्मूला है. n हमें पता है मोलर मास 197, a क्यूब का वैल्यू हमें पता नहीं है, निकालना पड़ेगा. ठीक है. और यहाँ कितना रहेगा बेटा, n कितना 6.022 into 10^23. a कितना है 408 into 10^-10 क्यूब. बराबर है. अब ध्यान दो यहाँ कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता. मैथमेटिक्स पहले ही डिफिकल्ट है ना. हम छोड़ के भाग जाते हैं. मैथमेटिक्स बोला तो जाने दो सर, वो आपका निश्चित है. 15 से 15 मार्क के साथ प्रोबेबली 15 मार्क के न्यूमेरिकल्स आपके क्वेश्चन पेपर में रहेंगे. ठीक है. तो देखो जरा इनको कैसे सॉल्व करना. तो लॉग टेबल की मदद से मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ. पहले इसका वैल्यू आपको निकालना है. इसका वैल्यू निकालेंगे तो आप आगे नहीं जा सकते, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा. अब इसका वैल्यू कैसे निकालना, तो यहाँ मैं लॉग इक्वेशन लिखता हूँ. बाद में चलिए तो लिख लेने का, नहीं तो वो नहीं बात निकाल. अब वैल्यू किसका निकालना है बेटा, 408 into 10^-10 क्यूब है ना. तो लेट इट बी एक्स लिया, फिर दोनों साइड का लॉग लेना. लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स किसका लॉग कैसे होता है, 3 into log of 408 into 10^-10. समझा क्या होता है ना, ये 19th का कांसेप्ट है. हो गया. सो 3 into log of this कितना, log of 408 कैसे निकालना पता है किसी को. 408 में कितने डिजिट्स है, 3 minus 1 करने का कितना 2. ऑलवेज माइनस 1 करने का मिल जाएगा 2. ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक. इसको बढ़ना कैरेक्टरिस्टिक. उस पर मैंटीसा देखोगे, मैंटीसा कहाँ देखना, लॉग टेबल में. लॉगरिथम निकाल दो. लॉग टेबल नहीं लाया, वेरी गुड, थैंक यू. समझेगा नहीं ना कुछ. हाँ लॉग टेबल लाया, लॉगरिथम का निकाला. उसमें बेटा क्या लिखना, इधर 40 देखो यहाँ कुछ लिखा होगा. नंबर लिख के 0001 02 पहला कॉलम देखिए, देखा उसमें 40 का देखना. और यहाँ लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा लिखा है. क्या देखो कहाँ देखोगे, लॉगरिथम में. अरे यार लॉगरिथम पता है, पेज नंबर 62 दिख रहा था. ये लॉगरिथम असली ला लॉगरिथम बल्कस कहीं पाऊँ ना क्या. देखा लॉगरिथम, मुझे पता है कोसाइन टेंजेंट रेसिप्रोकल वगैरह देते होंगे बच्चे. कहाँ है लॉगरिथम देखा. ए तंगे बसा तुम्हें, शांत बसा तुम्हें, सुकून दा. एक शब्द बड़बड़ा का करो. ये लॉगरिथम देखा, लॉगरिथम में पहला कौन देखो, उसमें 40 देखने का. और उसके बाद बेटा यहाँ बीच में देखो 0 to 9 लिखा है, उसमें 8 देखने का. कितना था 40 का 8 में 6107, तो यहाँ रहेगा 6107.
इस को करते हैं मैंटीसा करते हैं मैंटीसा ये हो गया गैर क्रिस्टी के मैंटीसा उसके बाद बेटा इसका भी लॉग लेना तो बेटा लॉग ए इनटू बी क्या होता करो फॉर्मूला लॉग ए इनटू बी क्या होता लॉग ए प्लस लॉग बी इसलिए यहां प्लस लेना पड़ेगा फिर लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 10 कितना होता log of 10 to the power minus 10 कितना होता minus 10 log of 10 to the power 2 कितना होता 2 याद रखना है log of 10 to the power n equals क्या रहेगा only n हो गया फिर इसको सिंपलीफाई करना 3 into ये कितना आएगा तो पहले क्या करना 10 minus 8.000 minus 2.6107 करो इधर कितना आता है बताओ
408 का क्यूब लेट में कैलकुलेट होगा 408 into 408 into 408 6.79 वगैरह आना चाहिए कहीं गलत हुआ क्या देखना पड़ेगा बेटा इसको ये बराबर है 40 हर्ट्ज में अब अवेला कोई का सुपर सदस्य जी कोई नहीं यार 40 का हर्ट्ज में 6107 बराबर है प्लस 3 ठीक है एक काम करते हैं आज रुकते हैं